सब लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम 20 दिन में हो जाएगा क्या कर लेंगे क्या 20 दिन क्या इनफ टाइम है क्या प्रिपरेशन के लिए आज से चालू करूं तो हो जाएगा क्या चलो आप जब से भी चालू कर रहे हो ये 20 दिन का प्लान है होगा नहीं होगा टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस इफ योर समवन जो एक साल से एनरोल्ड है पर अचानक से नींद खुली है कि बस अब तो करना ही है हंड्रेड होगा बट यू शुड हैव क्लियर थिंग्स इन माइंड यू ओनली हैव ट्वेंटी डेज इफ़ यू हैव जीरो बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट क्लैट एक पूरा अच्छे से वीडियो बन रहा है ऑल अबाउट क्लैट वट आर दी सिलेबसेस कितने पास पेपर्स का क्या है हम लोग हमेशा लाइव आते रहते हैं टॉपिक्स बढ़ाते रहते हैं इंटू टू करके स्पीड बढ़ा के उसको देख लीजिए पर क्या हो पाएगा हंड्रेड परसेंट हो पाएगा आई वुड ऑलवेज से दैट यू शुड हैव सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाइड टू इट प्लस आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा दोनों चीजें हैंड एंड हैंड चलेगी प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यूर गोइंग टू गेट 120 ट्वेंटी आउट ऑफ हन मतलब 100 नंबर आ जाएंगे 120 में से अगर में 20, बीस 20 दिन पढ़ोगे तो 100% परसेंट आ सकते हैं बट बेवकूफी की भी कोई सीमा होती है कहने को तो हम तो 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 कुछ भी कह सकते हैं ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप अभी सर्वाइवल मोड पे हैं सर्वाइवल मोड का मतलब क्या होता है दैट राइट नाउ योर थिंग इज टू गेट इन टू अ वेरी गुड एन एल यू टू एम फॉर द टॉप फाइव एन एल यूज इज वेरी गुड टॉप थ्री में हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड uh, हो जाएगा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट ऑलवेज हैव प्रैक्टिकल गोल्स ऑल द प्रैक्टिकल गोल्स दैट आई हैव इफ यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट लॉ और इफ़ यू हैव इन स्टार्ट इन द होल ईयर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो यही है कि आप अभी ये ध्यान रखें कि आपको 80 नंबर लाने हैं पेपर इज डिफिकल्ट पेपर इज इजी एटी नंबर्स एटी इज वॉट यू शुड गेट हमारे पास पांच सब्जेक्ट्स हैं पांच सब्जेक्ट्स हैं या नहीं है उसमें से क्यूटी दस नंबर बारह नंबर का हटा के भी अगर आप पंद्रह 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 भी करेंगे यू ईजिली गेट अ वेरी गुड स्कोर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें पंद्रह से ज्यादा ईजिल स्कोर हो जाते हैं जिससे लीगल में सत्ताईस अट्ठाईस सैचुरेशन लेवल तक बहुत सारे बच्चे पहुंच रहे हैं सो इवन यू कैन डू दैट ऐसा भी होगा कि उन बच्चों ने बहुत मस्ती करी है दे हैड सम टाइम मॉम फ्रॉम नाउ ट योर फर्स्ट डिसम्बर यू हमली हैव वन गोल नो बर्थडे नो फेस्टिवल्स नो एनिवर्सरीज नो पार्टीज नो नथिंग यू जस्ट हैव टू स्टडी ये वो गोल है करोगे तो हंड्रेड परसेंट क्लियर करोगे After you do this, you have to come back and uh, thank me that yes, ma'am, आपने बोला था and we did it and you can do it. What you have to do is what is survival mode by the way? It is for that that the goal is to maximize your score by focusing on smart strategies. अब भाई we are doing smart work, right? हम लोग hard work भी कर रहे हैं और smart work भी कर रहे हैं हम सिर्फ घरे की तरह काम नहीं करते हम घोड़ों की तरह दौड़ के काम करेंगे right? So after that you should avoid some कॉमन फिटफॉल्स सबसे अच्छी बात यह है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक साल तक प्रैक्टिस किए एंड देन दे हैव हर्ट ओके आई एम नॉट सपोज ये नहीं करूंगा प्रैक्टिस करूंगा आपको वो लोग पहले से बता देंगे हमारे साथ ये हुआ था तुम तो ये मत करना सो दैट इज एडवांटेज फॉर यू एक बोनस होगा आइए देखते हैं कि हमको आपको ये करना कैसे है सबसे पहला स्टिक टू योर स्ट्रेंथ फर्स्ट एट दिस पॉइंट आई विल नॉट आस्क यू टू बिगिन समथिंग टोटली न्यू उससे चालू करो जिससे कि भाई अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है आपका जिसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस नहीं है आपका आई वोट रिकमेंड यू टू स्टार्ट फर्स्ट नाउ क्यूटी में हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई नहीं आती है जीरो से बेसिक खराब है नहीं हो रहा है आई वोट टेल यू टू डू दैट आई विल ओनली टेल यू टू डू फाइव टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिवाइज देम एंड मेमोराइज देम एट एनी डे वो मैं करने को जरूर बोलूंगी स्ट्रेंथ है आपकी कि मैम लॉजिकल बहुत अच्छे से हो जाता है ए आर तैयार बहुत अच्छे से हो जाता है मेरा इंग्लिश में आई एव बिन गुड लीगल में इफ आई लर्न दी डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट लॉजिक uh, सीख लूंगा तो आ जाएगा दैट इज योर स्ट्रेंथ इन पॉइंट ध्यान रखो जो भी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा के काम लेना है उसको करने से थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हो जाएगा इसके बाद है फोकस ऑन हाई यील्डिंग हाई यील्डिंग जैसे ये कि

सेक्शंस में 2021 में 2021 2022 में, 2023 में 2024 में क्या-क्या चीजें हैं जो रिपीट हो चुकी है क्लैट हैज वन टेंडेंसी दैट दे नेवर रिपीट व्हाट दे हैव गिवन ऑलरेडी वो टॉपिक्स नहीं आएंगे करंट के टॉपिक्स पे फोकस करो एडिटोरियल्स पे फोकस करो क्यूटी में पांच टॉपिक्स नहीं आती है तो पांच पे आती है तो सब पे फोकस करो दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड डू स्ट्रेंथ इकट्ठा करने के बाद पे जो टॉपिक रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा किसमें से आएगा जैसे जीके में जो लास्ट वाले चार महीने उसमें से अच्छे खासे पास जाते हैं अब न्यूज़पेपर 12 महीने के उठा के पढ़ोगे तो बेवकूफी होगी ध्यान रखोगे जीके में से मैक्सिमम कितना स्कोर करना पा रहा है 20, राइट दैट्स वॉट यू हैव टू स्कोर 20 का एम करके चलो 17 18 तक तो आ ही जाएंगे बट डू नॉट वरी अबाउट इट सिर्फ और सिर्फ जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आते हैं अभी वही टॉपिक उठाओ इसके अलावा कोई भी टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है रिवीजन क्लासेस हर बारी हो रही है विजय हो गया डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक काउंटडाउनस हो गई मैराथंस हो गई लीगल मैराथन क्यूटीजी केसीआर सब हो रहा है इनटू टू करके देखो टीचर रोज बताएंगे अपने आप बताएंगे ये जरूरी है लिख लो आएगा ये जरूरी है लिख लो आएगा लिख लेना पढ़ लेना मास्टर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड स्पीड डाउन थिंग इज बिकॉज लेटेस्ट एज्यूम के आप लोगों ने इतना अच्छे से नहीं किया है और आपको थोड़ा टाइम लग रहा है रीडिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करिए रोज़ का एक घंटा न्यूज़पेपर आज से भी पढ़ना चालू करेंगे तो भी हो जाएगा रीडिंग में आरसी बहुत ज़रूरी है आरसी में जो वोकैब है वो पढ़ानी बहुत ज़रूरी है सोनिया मैम के रूट वर्ड्स की पीटीएम uh, पीपीटी uh, है आप उसको पढ़िए उसको समझिए जो सोर्स आपके लिए अवेलेबल है स्पेशली लॉ प्रेप पे यूट्यूब uh, चैनल पे हम लोग कभी भी हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन फ्री यूट्यूब क्लासेस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं आप लोगों को उतना ही डिटेल में उतना ही चीज़ों को पढ़ाते हैं जो कि आपके उसमें पढ़ रही हैं सो डू नॉट वरी अबाउट इट वट एवर इज गिवन देयर हम लोग जो भी पैसेज में कर रहे हैं जो भी चीज़ों में डील कर रहे हैं हम 100% वही पढ़ाते हैं जो ऑफलाइन क्लास में है सो डू नॉट वरी अबाउट इट कि मैम आप तो कम पढ़ा देंगे ऑनलाइन में तो फ्री में ऐसा ही पढ़ाते हैं हम नहीं करते हैं प्लीज़ गो फॉर रीजनेबल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज पे मत चले जाइएगा जो आपको ये बोलते हैं कि एक दिन में सारा जी के खत्म हो जाएगा नहीं हो सकता है

प्रायोरिटाइज मॉक टेस्ट अब मॉक टेस्ट देना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है आप ये कर सकते हैं कि आप एक दिन में दो मॉक टेस्ट दे दीजिए वाई इज गिविंग वन डे टू मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट सो दैट योर प्रैक्टिस इंप्रूव गलतियां करोगे गलतियों से सीखोगे सीखोगे कैसे एनालाइज करके यू शूड ऑलवेज एंड ऑलवेज एनालाइज योर मॉक्स मॉक्स एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है मॉक्स एनालाइज नहीं किए तो बहुत ज़्यादा स्कोर डिप हो जाएगा गलतियाँ पता नहीं चलेगी सेम गलतियाँ ऑन रिपीट करते रहोगे नेवर डू दिस मिस्टेक ऑलवेज एंड ऑलवेज एनालाइज योर मॉक्स अपनी गलतियाँ लिखिए लिखिए कि मैंने क्या गलत किया है कैसे टॉपिक को समझने में डिफ़िकल्टी होती है किन चीज़ों को किस तरीके से समझती हूँ मैं वैसे आप लोग ईजिली कर पाएंगे प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ हमेशा खुद पे भरोसा रखो सब अच्छा होगा सब बढ़िया होगा पेपर बहुत अच्छा जाएगा डो नॉट वरी येस इफ़ यू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली ट्वेंटी डेज में क्लैट को क्रैक करना इज टोटली टोटलीजी पॉसिबल थोड़ा हार्ड वर्क चाहिएगा थोड़े से ज़्यादा भी चाहिएगा बट देन तुम लोग कर सकते हो ऑल द बेस्ट एवरी वन